जी, तो हम सारे मिल करके एक संगठन हम चला रहे हैं ये पूरे देश भर में, ओ बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर और जन संसद के नाम से, जन जी। संसद यानी के सिविल पार्लियामेंट, इस नाम से, जन संसद के नाम से हम लोग ये चला रहे हैं। बहुत सुंदर। और हमारा लक्ष्य है कि हम हमेशा के लिए चुनाव प्रक्रिया से इन पॉलिटिकल पार्टियों को हटाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में अंग्रेजों ने और जवाहरलाल नेहरू ने साठ गांठ करके हमको मूर्ख बना के अंधेरे में रख के ट्रांसफर ऑफ जी पावर ले लिया, और दुष्टतापूर्वक इसने बहुत सारी संधि की और पार्लियामेंट से लेके किसी को अवगत नहीं कराया। मतलब आपको जान जी के ताज्जुब होगा कि इस व्यक्ति ने 1949 में लंदन में एक क्राउन के साथ बैठक करके एक लंदन डिक्लेरेशन साइन किया और कहा कि ये जो है क्राउन की जो है अधीनस्थता जो है स्वीकार करता है। मतलब उसने देश को क्राउन के अधीन बना दिया, वो भी उसने किसी से चर्चा करना आवश्यक नहीं समझा। मतलब ये इतना दुष्ट व्यक्ति है, मतलब था कहना, अब तो है नहीं इस दुनिया में। इस व्यक्ति ने राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाकर, माननीय राष्ट्रपति तत्कालीन, और इसने एक आर्टिकल 35A संविधान में घुसेड़ दिया, जबकि संविधान ने राष्ट्रपति को ये शक्ति ही नहीं दी है कि अपने नोटिफिकेशन से कोई आर्टिकल पैदा कर दे। और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अपने विद्वान लोग, जो अपने आप को बहुत विद्वान कहते हैं, ये दुष्ट लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, एकदम स्वार्थी और घटिया लोग हैं। इन लोगों ने अपने आप को इन राजनेताओं का चरण सेवक बना के रखा है। इन विद्वान स्वार्थी खुदगर्ज दुष्ट लोगों के कारण ही इस देश की स्थिति इतनी खराब है। अब ये बताइए, एक जो है शिक्षा मंत्री, उस दुष्ट व्यक्ति ने आपका इतिहास ही बदल दिया। आप जो इतिहास आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वो सही इतिहास नहीं है। ये कितनी दुष्टतापूर्ण बात है। मतलब जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं वो सही इतिहास है ही नहीं। तो अब आप ये बताइए कि आर्टिकल 35A आपने डाल दिया, आपने ढेर सारे कानून जो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप है, विपरीत हैं, उनको भी आपने बना डाला। तो ये तो देशद्रोही बेकार के लोग हैं। मतलब ये बहुत ही बेकार लोग हैं। तो आपसे हम विस्तार में बात करेंगे, एक बार आप अपना परिचय फिर से जरा दे दीजिए। अभी हम लोग जो हैं ऑनलाइन मीटिंग प्रत्येक रविवार को शाम को 7 से 10, हाँ, ये ऑनलाइन मीटिंग जूम के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। ये 25 राज्यों से इस वक्त 65 लोग जुड़े हुए हैं। तो यदि आप उसकी लिंक भेजेंगे और आप लोगों की इजाज़त होगी, तो मैं 15 मिनट आपको सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति जो है मेरे द्वारा बहुत आसानी से हो सकती है और हम सब लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं। और उसमें जो है पांच अवश्य पैसे खर्च नहीं होंगे, वो सब रणनीति बना ली गई है। वैसे तो और हमारे अदने से चंद्रगुप्त, जिनको कोई नहीं जानेगा, उसको भी हम जो है इन बड़े बड़े महाबली राजनेताओं को हम पराजित कर पाएंगे। इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, ऐसी प्यारी रणनीति है वो। जी, तो यदि बिल्कुल आप इजाजत बिल्कुल देंगे तो हम उसे जो है आपके उस मीटिंग में हम सम्मिलित होना चाहेंगे, और जी आपके हाँ सभी साथियों के जो कि 23-25 जितने भी राज्यों में हैं उनको भी जी ब्रीफ हाँ करके, और ये जो चंद्रगुप्त बनाने की जो प्रक्रिया है, जो इसकी मूल अवधारणा का आधार है, उसको हमें तेजी से बढ़ाना होगा। क्योंकि यदि हम ठीक ढंग से करें इसको, तो 9 दिन में ये अवधारणा जमीन पर उतर सकती है, मात्र 9 दिन में। ठीक और है, 90 करोड़ लोगों को सिर्फ खुद जुड़ना होगा, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। मतलब इतना साधारण है। और 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा,
यदि वो मात्र एक व्यक्ति को जोड़ लेते हैं, तो पति यदि पत्नी को या पत्नी अपने पति को जोड़ लेती है तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। फिर 1 करोड़ लोग रह गए हैं, उनके लिए भी बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। तो हमें संकल्प लेना है। जो क्राइम फ्री भारत में यूट्यूब चैनल में ढेर सारे हमारे यूट्यूब्स हैं, उनको उनको वीडियोज हैं, उनको सुन के ऊर्जा लेना है और फिर लोगों को जोड़ना है। और ये इतने साधारण तरीके से हम 2024 में 100 करोड़ के ऊपर होंगे, और बचे जी हुए 37 करोड़ जो विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि कबीरदास जी उनके लिए भी एक बता के गए हैं कि लाली मेरे लाल की जब दे जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब 100 करोड़ लोगों की ऊर्जा चारों तरफ बिखरी होगी तो ये स्वार्थी खुदगर्ज विद्वान लोग भी जो है दंडवत होंगे और क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे, और सभी राजनेताओं की, सभी पार्टियों के, सभी राजनेताओं की 2024 में जमानतें जब्त होंगी। ये क्राइम फ्री भारत मिशन का संकल्प है। जी तो जी जी क्राइम जी फ्री भारत अवश्य मिशन जो है अंग्रेजों के नियम कानून को उसी पार्लियामेंट में बैठ के बदल देगा। जो आज की दुष्ट जी जो है प्रशासनिक व्यवस्था है, जुडिशियल व्यवस्था है, इसको अकाउंटेबल बना दिया जाएगा। अभी जो लॉर्ड बने हुए हैं कोई लॉर्ड नहीं है, उन्हें अपने निर्णयों को ठीक ढंग से लेना होगा। जी ठीक है ना? तो आप हमें लिंक भेजिए और अपना नाम बताइए और हम उसको फिर मैं आपको जोड़ते हैं। जी, मेरा नाम अशोक भाई पटेल है, राजकोट में रहता हूँ मैं, गुजरात के राजकोट शहर में। हाँ और ये हमारे संगठन का नाम जन संसद है, और ये जन संसद का मंथन ग्रुप है, और जी इस मंथन ग्रुप में हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, 25 राज्यों के 65 लोग हम प्रत्येक सप्ताह रविवार को शाम को 7 से 10 ये हमारी मीटिंग होती है। मैं आज आपको आमंत्रित के तौर पर लिंक आपको मैं भेज दूंगा, जरूर जरूर, मैं जरूर जुड़ूंगा और पूरा 2 घंटे का आप समय मैं आपके लिए आरक्षित रखूंगा, और यदि आप लोग इजाज़त देंगे तो 15-20 मिनट में मैं अपनी बात भी कह दूंगा। जी बिल्कुल बताइएगा, मैं आपको लिंक तो अभी भेज देता हूँ, जी और विस्तार से आपकी बात भी हम समझना चाहेंगे, और हमारी बात भी हम कहना चाहेंगे कि जरूर हम जरूर जरूर, मैं जो है आप आपकी जितनी भी अपेक्षाएं हैं मैं आपको आश्वस्त करता हूं 2024 में वो सभी आपकी भावनाएं पूर्ण होंगी, और ये जो है क्राइम फ्री भारत मिशन जो है उसे पूर्ण करने के लिए आपको वो प्लेटफॉर्म देगा, वो आधार देगा कि आपको इन दुष्ट राजनेताओं के प्रति हाथ नहीं जोड़ना होंगे। और ये सभी दुष्ट राजनेता छोटे छोटे चंद्रगुप्तों के हाथों पराजित होंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। जी, वैसे हमने अपना जन संसद का कंप्लीट एक विजन डॉक्यूमेंट जो है अभी बना के रखा है, एक तो वो स्ट्रक्चर निश्चित तौर भी। पे ऐसा वो मेरे ख्याल से वैसा ही होगा जो मैं सोच रहा हूं, तो उसकी कॉपी आप भेजिए तो मैं उसे पढ़ भी ही लूंगा। अभी अभी वो अभी मतलब वो हिंदी में नहीं बन पाया, आप गुजराती में अंग्रेजी बना में भेज दीजिए। अच्छा, गुजराती तो हम नहीं ना समझते ना। हैं। हाँ, गुजराती में कुछ समय लगेगा, 1.5-2 महीने के अंदर अब मैं आपको भेज तो सकूंगा, आप वो उसको होने एक दो जा रहा महीने है। में भेजिएगा, तब तक आप क्राइम फ्री भारत मिशन की बात समझ के जो थोड़ा बहुत तो उसमें और ऐड करना हो वो भी ऐड कर दीजिएगा, और मैं अच्छा आपको आश्वस्त करता हूं कि 2024 में भारत का भविष्य बदलने वाला है। ठीक है, हम भी चाहेंगे अगर ये इतनी जल्दी चलिए हो सकता ठीक है। ठीक है ठीक है, तो ठीक बस अब इसी के साथ जो है है ना अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, और आप जैसे वयोवृद्ध लोग जुड़ेंगे तो हम इस देश को बदल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम।